दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल शाम की बात है, और उस वीडियो में जो अलवर राजस्थान के असलम खान जी के साथ जो घटना घटी थी, उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ था, वो किट के नाम पे जो उनके साथ ठगी का काम किया गया था, यानी जो मशीन भेजा गया था उसकी कीमत भी अधिक ली गई थी, खैर वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन जो 100 पीस बल्ब का उनको सामान दिया गया था वो भी इतना घटिया किस्म का सामान था कि वे बल्ब को बना रहे थे, दुकानदार को देते थे, वहाँ से वापसी आती थी। मतलब बोला ये गया था कि आप इसकी 2 साल की गारंटी दे सकते हैं, और वो 2 साल क्या, 2 महीने भी नहीं टिका, और वो सारे बल्ब का रोशनी कम होने लगा, ड्राइवर का फॉल्ट होने लगा। इसका एक वीडियो मैंने कल सुबह भी अपलोड किया था, असलम खान जी बता रहे हैं उस वीडियो में कि वो कैसे कैसे फॉल्ट का सामना कर रहे हैं, वो चेक करके बता रहे हैं अपने टेबल पे। हुआ क्या था कि मैंने उनसे कल पूछा था कि आपके साथ तो ये धोखाधड़ी हुआ ही, अगर आप बोलें तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ ताकि और लोग भी बच सकें इस धोखाधड़ी से, आप उनको अपनी बात बताइएगा। तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी और मैंने उनका नंबर भी कल दे दिया था, लेकिन वो क्या हुआ कि कल रात भर में उनको इतना कॉल आया कि बेचारे सुबह होके बोले कि सर इस वीडियो को हटा दीजिए, मेरा नंबर हटा दीजिए, बिना नंबर के आप वीडियो डालिए, मैं परेशान हो गया। चूँकि उनकी आदत नहीं थी इतना कॉल रिसीव करने का, चूँकि कल ही रात में 700 व्यूज क्रॉस कर गया था और उनको बहुत बड़े मात्रा में कॉल आ गया था, और ये रात की बात है। चलिए आज उनका नंबर तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। हो क्या रहा है कि ये जो कोरोना के चलते काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, और ये LED का इतना वीडियो बना बना के लोग डाल रहे हैं नेट पे कि इतना मशीन लगा लीजिए, किट है, आमदनी चालू हो जाएगी, और उसके बाद लोगों से पैसा लिया जा रहा है। कई लोगों ने मुझे लिखा मेरे मैसेजेस में कि सर मेरे से पैसा तो ले लिया, लेकिन आज 15 दिन हो गया मेरे को ना मशीन आया ना किट आया, आज कल हो रहा है। ये बहुत ही ख़राब बात है, और इस तरह के धोखाधड़ी का सही पूछे तो लोग कहीं भी कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका कोई उनके पास सबूत नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, आइए इस बात को सामने रखते हैं और एकदम डिटेल बताते हैं कि ये मामला हुआ क्या था। अब पहले असलम खान जी की बात करते हैं। ये अलवर राजस्थान के हैं असलम खान जी। इन्होंने नेट से ही देख के वीडियो देखा उन्होंने यूट्यूब पे, और एक शख्स को उन्होंने संपर्क किया किट के लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो रहता है उन लोगों का, वीडियो में कोई कमी नहीं रहता है। उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद वे ऑर्डर प्लेस किए, पैसा पेमेंट किए, और जो किट आया, किट में देखिए जो सामान आया उसमें से बल्ब में, जैसा बताया कि बल्ब में अधिकतर कंप्लेन आया, और उनका रुपया भी डूबा हुआ है, 3 महीना से वो परेशान है। जब उसे वो कंप्लेन किए तो वो बोलता है आप रिपेयरिंग कीजिए, वो रिपेयरिंग करते हैं फिर वो नहीं टिकता है। असल में उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है, इन लोगों के हाथ में जब पैसा आ जाता है तो ये लोग कुछ भी उठा के भेज देते हैं, सही पूछिए तो खाना पूर्ति करते हैं। और इनको ये कस्टमर सिर्फ एक बार चाहिए होता है, दोबारा ये कस्टमर से उनको मतलब नहीं होता है। और सही पूछिए, मैं जब कल डिटेल तहकीकात किया, असलम खान जी ने जो मेरे को उसका पूरा जो भी बिल तो नहीं था, बिल उसको कहते हैं जिस पे टैक्स पेड होता है, वो बिना GST का एक कागज था, उसमें उसका नंबर वगैरह ये था, मैंने एड्रेस था, मैंने उसको कल पूरा चेक किया, व्हाट्सएप पे मैं कांटेक्ट किया, और मैं ग्राहक बन के उस आदमी से इंक्वायरी किया, और तब उसने मैं बोला कि आप 12,800 जो बता रहे हैं, हमें 12,800 का डिटेल चाहिए, आप 12,800 में क्या दे रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं, किस चीज़ का क्या दाम है वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उसे बोला कि मान लीजिए मुझे जो ये टिक्की फिटिंग मशीन है अगर 2 पीस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपको रेट जब तक आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे कि इस 12,800 में आप किस बात का क्या पैसा ले रहे हैं, तो मैं कैसे फिर मल्टीपल ऑर्डर करूँगा आपको। तब उसने व्हाट्सएप पे लिखना चालू किया,
और जो रेट दिया उसके रेट को मैं सामने आपको दिखाने जा रहा हूँ, और तब आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी है। देखिए, जो मशीन प्रेसिंग मशीन का रेट उसने बताया वो बताया 3,500 रुपया, पंचिंग मशीन का रेट उसने 1,200 बताया, सोल्डरिंग सेट के नाम पे 500। ये सेट क्या होता है पता नहीं, इसमें क्या वो देंगे ये वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। कंपाउंड हीटसिंक कंपाउंड 100 बल्ब का 300 रुपया, भारी लूट है यहाँ पे। 100 बल्ब का 300, यहाँ 1 किलो कंपाउंड 475 रुपया का आता है, उससे 5,000 बल्ब बनेगा, ये 100 बल्ब का 300। आइए, 9 वाट का ड्राइवर रॉ मटेरियल फॉर 100 बल्ब 4,400 रुपया, वेरी गुड। स्क्रू 1,000 पीस 150 रुपया, कोरियर चार्जेस 2,750 रुपया। जब ये आप यहाँ से यहाँ टोटल करेंगे और 12,800 में माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो कुरियर चार्जेस है। किसी प्रकार का कोई टैक्स का जिक्र नहीं। मैंने उससे बोला कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, आप बताइए अगर मैं GST पेड बिल लूँ तो क्या पड़ेगा। उसने वहाँ से मैसेज रिकॉर्ड करके ऑडियो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे क्या डाला, बोला कि सर टैक्स में कोई नहीं लेता है, यहाँ सैकड़ों किट हर डेली निकलता है, सैकड़ों किट डेली निकलता है और सब विदाउट टैक्स जाता है, पूरे भारत में जाता है। और आप टैक्स पे अगर वाकई लेना चाहते हैं तो आपको यही चीज़ 14,000 रुपया का पड़ेगा। मतलब देखिए, सैकड़ों किट निकल रहा है और टैक्स की चोरी हो रही है। और सोचिए कि गवर्नमेंट का कम से कम गवर्नमेंट को सिर्फ इस किट से, उस एक शख्स से 2 लाख रुपया महीने का रेवेन्यू लॉस कम से कम जा रहा होगा। मैंने मिनिमम 2 लाख नहीं, कैलकुलेशन मेरा अभी रुकिए मैं करके बताता हूँ। 100 किट 1,000 रुपया से बेसी टैक्स आ जाएगा। अगर 100 किट होगा तो एक दिन में अगर 100 किट वो बेच रहा है तो 1 लाख रुपया का तो रोज लॉस हो रहा है, तो 30 लाख रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस सिर्फ एक शख्स से हो रहा है और सिर्फ एक आइटम से हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम को डील करता है। चलिए, ये तो शिकार हुए असलम खान जी अलवर राजस्थान के। इसी किट को अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसका एक्चुअल रेट क्या होगा तो आइए देखते हैं। एक्चुअल रेट इस किट का आ रहा है 10,872 रुपया। कैसे आ रहा है, जहां पे इसने 3,500 रुपया प्रेस मशीन का लिखा है, प्रेस मशीन का एक्चुअल कॉस्ट है 2,499 रुपया, ठीक है। दूसरा, ये पंचिंग मशीन का 1,200 लिखता है, 1,200 नहीं, पंचिंग मशीन का कॉस्ट है 900 रुपया। अब आइए, सोल्डरिंग सेट 500। सोल्डरिंग सेट में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। सोल्डरिंग आयरन चाहिए, 2 चाहिए, एक 25 वाट एक 60 वाट। 25 वाट MCPCB पे टाका लगाने के लिए और 60 वाट जो है वो आपको B22 कैप के पीछे सोल्डरिंग करने के लिए। ये 2 आयरन चाहिए, प्लस थोड़ा सा 100 पीस बल्ब बनाने में 100 ग्राम भी रंगा नहीं लगेगा, बात को समझिए। और एक छोटा सा 10 रुपये का क्विक फिक पेस्ट जो क्विक फिक्स का आता है, और एक कटर चाहिए 06 नंबर का कटर 70 रुपये का। यही है सोल्डरिंग सेट के नाम पे। इसको भी डिटेल में आइए देखिए, 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन, ये 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन 60 रुपया, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, है ना। और 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन 150 रुपया, क्विक फिक्स पेस्ट स्मॉल मैंने 10 रुपया रखा है, ठीक है। कटर 70 रुपया, बहुत है, 06 का छोटा सा कटर आता है, 70 रुपया मैंने बहुत बढ़ा के दाम रख दिया, शायद 10-5 रुपये और उसमें बची जाएगा। सोल्डिंग वायर मैंने 250 ग्राम रखा है, सही पूछे तो 100 ग्राम में भी बन जाएगा, 150 रुपया, 600 रुपये किलो में अच्छा से अच्छा सोल्डर आपको मिल जाएगा। हीटसिंक कंपाउंड 1 किलो का डब्बा आएगा साहब, 1 किलो का 5,000 बल्ब इससे बनेगा, 475 रुपया। एक बार आप ले लेंगे ना फिर आपको बहुत दिनों तक हीटसिंक कंपाउंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब रॉ मटेरियल पे आते हैं। 9 वाट का ड्राइवर हाउसिंग, जो सबसे बेस्ट भारी वाला हाउसिंग आता है, वो 8 रुपया 75 पैसे का पीस आता है, 100 पीस का 875 रुपया। 9 वाट का MCPCB एडिशन का, इससे बढ़िया LED नहीं आता है। आप किसी से भी LED लें, आप उसमें पूछें कि MCPCB आपने किस LED से बनाया है, किस कंपनी के, अगर वो सिल्वर लाइट या स्टार लाइट या जो भी नाम लेता है, एडिशन से बढ़िया नहीं आता है, इंक्वायरी कर लीजिएगा। 7.5 रुपये का एक PCB आता है, सबसे बढ़िया जिसकी आयु काफ़ी अच्छी है, वो 750 100 पीस का।
9 वाट का एचपीएफ ड्राइवर 100 पीस, इससे बढ़िया ड्राइवर 9 वाट में नहीं मिलेगा आपको। कंप्लेन नाम का मैं खुद भी अगर मैन्युफैक्चर करता हूँ अपने प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड में, मैं इसी रॉ मटेरियल को यूज़ करता हूँ, इसी ड्राइवर को यूज़ करता हूँ, और गारंटी वारंटी मैं तो नहीं देता क्योंकि पीछे से गारंटी वारंटी मिलता नहीं है, लेकिन जो दुकानदार लोग गारंटी वारंटी में माल बेचते हैं मार्जिन रख के, उन लोगों का रिपोर्ट है कि रिप्लेसमेंट का परसेंटेज 10 से 15% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ असलम खान साहब को तो रिप्लेसमेंट 100% से भेंट हो गया है। खैर, B22 अल्मीनियम कैप ही मैं जोड़ रहा हूँ, मैं तो निकिल लगाता हूँ लेकिन यहाँ अल्मीनियम कैप ही मैं जोड़ रहा हूँ, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 120 रुपया, 1000 पीस स्क्रू, 12 पैसे का एक स्क्रू आता है 120 रुपया, यहाँ भी 30 रुपया फालतू लिए हुए हैं, 150 रुपया। खैर, बॉक्स जो डब्बा में बल्ब पैक होगा 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से 120 रुपया बॉक्स का, ये पूरा सामान जिस पैकेट में पैक होगा उसका पैकिंग कॉस्ट 100 रुपया, ठीक है। अब आइए टोटल क्या आया, 8249 रुपया, इसमें प्रॉफिट 5%, 412 रुपया 45 पैसा, टोटल आया 861 रुपया 45 पैसा। अब देखिए जीएसटी इसमें दो तरह का एप्लीकेबल होगा, मशीनरी पे जीएसटी 18% है, एलईडी लाइटिंग पे जीएसटी 12% है। तो जो मशीन यूज़ किया गया, कौन कौन सा मशीन, ये दो मशीन हो गया, और जो दो टूल्स है सोल्डिंग आयरन दो और एक कटर, यानी सिर्फ इतने पे जो जीएसटी होगा वो 18% एप्लीकेबल होगा, वो हो गया टोटल पे 18%, यानी 662 रुपया 22 पैसा, जो ये चार आइटम का उस पे जीएसटी कितना आएगा, 18% आएगा। और जो टोटल बाकी रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल पे 12% के हिसाब से 548 रुपया 40 पैसा। अब क्या हुआ टोटल, 9872 रुपया 7 पैसा। कूरियर इसमें 1000 रुपया मैक्सिमम में पूरे इंडिया में पहुंचा देगा, नो प्रॉब्लम। इस किट का, चूंकि ये किट जो है सो बड़े पैमाने पे बिकता है, अधिकतर लोग का रुचि होता है कि भाई एक दो मशीन ले लें और एक किट 100 बॉल का ले लें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ इन्हें क्वालिटी मिल रहा है और यहाँ इन्हें कोई क्वालिटी नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ पूरा पैसा इनका बर्बाद हो गया, बेचारे 3 महीना से परेशान है। तो टोटल क्या कॉस्ट आया, 10872 रुपया 7 पैसा, मैंने कॉस्ट को लिखा है 10872 रुपया। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कौन ठग रहा है, इसका आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। आज भी एक लोग लिखे हैं, एक व्यक्ति लिखे हैं मेरे मैसेज बॉक्स में कि बहुत लोगों से वो ठगाए हैं और कई लोगों ने उनका पैसा रख लिया, सामान नहीं दिए। तो इस तरह के कई लोग होते हैं, ये जीएसटी नंबर भी बदलते रहते हैं, नाम का एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं, काम का नहीं होता है वो। टैक्स भरने से इनको मतलब नॉमिनल टैक्स, ये अपने मर्जी से टैक्स देते हैं, ये सेल के हिसाब से कभी टैक्स नहीं भरते हैं, इनको जितनी मर्जी होती है उतना ही रिटर्न शो करते हैं, क्योंकि पीछे से जो इनको सामान आ रहा है वो भी विदाउट टैक्स का ये रिसीव करते हैं। तो जब पीछे से विदाउट टैक्स का माल खरीदते हैं ये, और तो फिर टैक्स में बेचते नहीं है, तो इनको आराम से कोई भी चीज़ छुपाया जा सकता है। इन्हीं सब कुरीतियों, और ये देखिए ये बिजनेस खराब नहीं है, इसको बहुत लोगों ने खराब कर रखा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये बिजनेस बदनाम हो रहा है, इस लाइन से लोगों को नफरत हो रहा है। देखिए लाइट की आवश्यकता ऑलवेज पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि लाइट और फैन और पानी ये सब वन टाइम का चीज़ है, पानी आदमी रोज पीता है, पंखा चाहिए, साल में 8 से 9 महीना पंखा चलता है, कई जगह तो 10 और 11 महीना भी चलता है। तो देखिए ये सब एसेंशियल चीज़ में आता है, और इसके साथ लोगों ने, एक ज़माना था बॉल पेन रिफिल का उद्योग चला था कि मुझसे रॉ मटेरियल लो और तैयार माल हमको दो, वही धंधा कुछ इसमें भी ये लोग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल देते हैं 20 रुपया में और गारंटी देते हैं कि हमको बना के आप दीजिए 40 रुपया में, लोग लालच में आ जाते हैं। 20 रुपया पीस कोई छोटा नहीं होता है एलईडी लाइन में,
1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए लोगों की स्थिति खराब रहती है, आसान नहीं है पैसा कमाना। और बाद में जब इतना घटिया सामान उनको सप्लाई किया जाता है कि वो कभी बनेगा ही नहीं, तो क्या वो वापस आएगा? वो इस चीज़ को जानते हैं, अगर अच्छा सामान दे देंगे तब तो लोग बना के वापस ले आएंगे और पैसा मांगेंगे। तो इसीलिए उनको घटिया सामान दिया जाता है ताकि वो सामान ना कभी बनेगा ना कभी रिटर्न उनके पास आएगा। मैं इन्हीं सब बातों पे और इस बिजनेस को कैसे करना है इसका पूरा डिटेल जानकारी पे बुक लिख रहा हूँ, जिस बुक का नाम भी मैंने बड़ा अट्रैक्टिव रखा है। मेरा जो प्रोडक्ट है जादू बल्ब, मैंने किताब का भी नाम रख दिया है जादू बल्ब, और मैं इसे 1 नहीं 13 भाषा में प्रकाशित करने जा रहा हूँ। भारत के हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असामी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी। सालों भर चलने वाला जादू बल्ब, लेखक संजीव वर्मा, MSME यूट्यूबर एंड ऑथर। किताब का दाम मैंने तय कर दिया है 436 रुपया। इसके बाद मेरा फैन इंडस्ट्री पे किताब आएगा, मैंने सब का दाम पहले ही से फिक्स कर दिया है, ओनली 436 रुपीज़। इसके अंदर कोरियर का चार्जेस, गवर्नमेंट का जो भी रॉ मटेरियल पे टैक्सेस एप्लीकेबल होगा, चाहे प्रिंटिंग में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे बाइंडिंग में हो, ये सारा टैक्सेस इंक्लूडेड है इसके अंदर, कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। किताब आने में लगभग लगभग 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये रिलीज़ करूँगा तो प्रॉपर चैनल से रिलीज़ करूँगा, जो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ISBN नंबर चाहिए, ये सब को लेके बकायदा। और पहले मैं हिंदी में रिलीज करने जा रहा हूँ, इसके बाद ट्रांसलेट करना चालू करूँगा। भाई साहब, मुझे इतना लैंग्वेज आता नहीं है, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सारे लैंग्वेज में किताब को ट्रांसलेट करूँगा और इस लाइन को सामने रखूँगा कि ये LED लाइन में कैसे काम करना है, कैसे आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। इन सब बातों की काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी। चलिए, वीडियो बहुत हुआ, आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया कर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। मैं बुक लिखने में व्यस्त हूँ और इसी चलते मैं डायरेक्ट कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, फ़ोन मेरा 24 आवर्स साइलेंट मोड में रहता है। आपको हमसे कांटेक्ट करना है बहुत आसान है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, चाहे लिख के डालिए, चाहे रिकॉर्ड करके डालिए, मैं जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। इसलिए कि जब मैं थक जाता हूँ लिखते लिखते, तो सबसे आसान लगता है व्हाट्सएप चेक करना, और व्हाट्सएप चेक करके मैं फटाफट कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस फ्रॉड लोगों के चुंगल से लोग बच सकें, अपना कीमती पैसा और समय बचा सकें, क्योंकि इसका कंप्लेन कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता है कि ये 10-15 हज़ार के लिए कोई थाना में जाए, कोर्ट में केस करे, ये आसान काम नहीं होता है। और ऐसी चक्कर में इन लोगों का धंधा जो है सो चलते रहता है, इन्हें सिर्फ एक बार ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने से मतलब है। ये जानते हैं कि एक बार जो ग्राहक इनसे एक बार बेवकूफ़ बन गया, दोबारा तो इनके पास नहीं आएगा, कहाँ फरियाद लगाएगा, कहाँ कंप्लेन करेगा। मैंने इसी बात पे ये वीडियो बनाया है, इसको शेयर अधिक से अधिक लोगों तक कीजिए ताकि लोग बच सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।